दोस्तों, लोगों को बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि कॉफी क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है या फिर नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉफी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, अच्छी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है जो कि हमारी बॉडी को अच्छा इफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट करता है बहुत बुरा। तो अगर ये अच्छी है तो किस हद तक अच्छी है, और अगर बुरी है कॉफी तो किस हद तक बुरी है, इसमें से क्या सब्सटेंस पाए गए हैं जो हमारी बॉडी में किस तरह इफेक्ट करते हैं, ये सारा मिसकॉन्सेप्शन मैं इस वीडियो में दूर करूंगा कि कॉफी आपको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, आपको कौन सी डिजीज है, अगर उस डिजीज के अगर आप चलते अगर ये कॉफी पीते तो कैसे इफेक्ट करती है, या फिर कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको ये कॉफी पीने से दूर करती है, वो सब मिसकॉन्सेप्शन दूर करूंगा। साथ में अगर आप कॉफी पीना चाहते हो तो एक दिन में कितनी पियेंगे तो हेल्दी रहेंगे, या फिर अगर आपको बीमारी है कोई सी डिजीज है तो कितने कब आपको पियेंगे तो उससे ये बीमारी दूर होगी। तो मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। चलिए देखते हैं कॉफी गुड और बैड। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉफी में ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, कौन कौन से न्यूट्रिशन है, कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ हम 250 ml, करीबन 250 ml हम कॉफी को कंपेयर करेंगे, जिसमें विटामिन B2 पाया जाता है 11%, विटामिन B5 पाया जाता है 6%, B1 पाया जाता है 2%, B3 पाया जाता है 2%, फॉलेट पाया जाता है करीबन 1%, मैग्नीशियम पाया जाता है 3%, पोटेशियम पाया जाता है 3%, मैग्नीज पाया जाता है 3%, मैग्नीशियम पाया जाता है 2%, और फॉस्फोरस पाया जाता है 1%। ये सारे जो विटामिन और मिनरल्स है इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इसको ये अच्छा या बुरा बनाती। खैर, सब विटामिन मिनरल्स सब अच्छे ही है, लेकिन कुछ अलग इसके अंदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। वो कौन से सब्सटेंस है और क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिशियल की, कॉफी कितने गुड है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि कॉफी में रहता है कैफीन। जो कैफीन रहता है वो हमारे स्टिमुलेट करता है ब्रेन फंक्शन को, जो ब्रेन फंक्शन रहता है उसको एनहेंस करता, बढ़ाता है। साथ में जो उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बूस्ट करता है। और कहते हैं कि कैफीन है ये मोस्ट कॉमन कंज्यूमिंग साइको एक्टिव सब्सटेंस है दुनिया में। सॉफ्ट ड्रिंक, टी, चॉकलेट, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिसमें कैफीन रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कैफीन कॉफी में पाया जाता है। एक्चुअली जो कॉफी रहता है उसके अंदर कैफीन रहता है, और यही जो कैफीन है वो काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करना। एक जो न्यूरोट्रांसमीटर रहती है उसको ब्लॉक करता है, जिसको कहते हैं हम एडिनोसाइन। और इसी ब्लॉकिंग के कारण ही जो ये न्यूरोट्रांसमीटर वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण ही आपको टायर्डनेस, जो थकावट होती है, या रिलैक्सेशन आप फील नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए, वो ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिसके कारण आपकी जो ब्रेन फंक्शन है वो बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। एनएस जो प्रोसेस होती है आपकी ब्रेन फंक्शन की वो बढ़ जाती है। और एक रिसर्च से ये भी पता लगा है कि जो कैफीन है वो आपके जो मेटाबॉलिज्म रेट है कैलोरीज बर्न करने के उसको करीबन 3 से 11% बढ़ा देता है, और वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को वो 11 से 12% तक बढ़ा देता है एवरेजली। एक रिसर्च से भी पता लगा है कि जो कॉफी है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को ओल्ड एज में, जिसके कारण जो अल्जाइमर और जो पार्किंसन डिजीज होती है वो नहीं हो पाती। क्योंकि क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, और उससे ही पता लगा है कि वो लोग जो कॉफी कंज्यूम करते हैं उनके 65% लोअर रिस्क रहती है जो अल्जाइमर डिजीज रहती है उसके। और पार्किंसन एक सेकेंड मोस्ट न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि होता है लोगों को। और अगर वो लोग जो कॉफी पीते हैं वो करीबन 32 से 60% रिस्क है वो कम हो जाती है उनके मुकाबले जो कि कॉफी नहीं पीते। और एक रिसर्च से ये भी पता लगा है कि वो लोग जो डेली कॉफी कंज्यूम करते हैं उनकी रिस्क टाइप 2 डायबिटीज की बहुत कम रहती है। जी हाँ, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज हमको पता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है कुछ ज्यादा ही, उसी के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। और ये अगर आप कॉफी रेगुलरली पियेंगे 2 से 3 कप तो ये क्या करता है कॉफी की आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्पाइक होने से बचाता है और साथ में कम भी करता है। तो वो लोग एक स्टडी से ये भी पता लगा है कि वो लोग जो कॉफी पीते करीबन 23 से 67% ज्यादा हेल्दी रहते हैं उनके मुकाबले जो टाइप 2 डायबिटीज के नॉर्मल पेशेंट है जो कि कॉफी नहीं पीते। और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, करीबन 18 स्टडीज हुई है 4,52,922 लोगों पे, कि वो लोग जो कॉफी पीते जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनकी जो रिस्क है और बढ़ने की वो 7% कम हो जाती है। वो लोग जो कॉफी पीते हैं रेगुलरली उनकी जो रिस्क है लिवर डैमेज की वो करीबन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लिवर है वो करीबन 100 से ज्यादा काम करता है।
एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि बहुत जरूरी, खैर सभी ऑर्गन बहुत जरूरी, सभी का काम करना जरूरी, एक भी ऑर्गन बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लीवर यहाँ बहुत ही मेजर रोल करता है। इसलिए एक रिसर्च से भी पता लगा कि वो लोग जो दिन में करीबन 4 कप कॉफी पीते हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, और साथ में 40% रिस्क जो रहते हैं चांसेस लीवर कैंसर के उसको भी कम करता है। वो लोग जो कॉफी पीते हैं करीबन 2 से 3 कप डेली, उनकी जो रिस्क है डिप्रेशन की और सुसाइड की वो बहुत कम हो जाती है। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2011 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा है कि वो लोग जो कॉफी पीते हैं वो 20% लो रिस्क रहते हैं डिप्रेशन से, और वो लोग जो 4 से ज्यादा बार एक दिन में कॉफी पीते उनकी 53% लेस चांसेस होते सुसाइड करने के, मतलब वो सोच ही नहीं सकते। एक स्टडी से ये भी पता लगा है वो लोग जो कॉफी पीते हैं 3 से 4 कप वो 11 से 12 साल ज्यादा जीते उनके मुकाबले जो कॉफी नहीं पीते। जी हाँ, ये स्टडी हुई थी इंग्लैंड में, और न्यू इंग्लैंड जनरल मेडिसिन 2012 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें करीबन 4,02,260 इंडिविजुअल लोग हैं जिनमें स्टडीज करी थी जो कि 50 से 71 साल के थे, और उनमें ये स्टडीज हुई थी और ये पता लगा है कि 12 से 13 साल ज्यादा जीते अगर वो लोग जो 4 से 5 कप कॉफी पीते हैं। ये तो बात थी कॉफी अच्छी है, जी हाँ, बेनिफिट की। अब बात आती है कॉफी बुरी है तो कितनी बुरी है। कैफीन, जी हाँ, जिस तरह कैफीन आपको बेनिफिट पूछा था उसी तरह आपको शायद प्रॉब्लम भी पहुंचा था, क्योंकि जो कैफीन का यूज करते हैं वो लोग जो कॉफी का यूज कर रहे हैं उनको एनएक्सटी और स्लीप की प्रॉब्लम होती है। एनएक्सटी मतलब चिंता और स्लीप जो रहती है नींद, उसकी डिस्टर्ब होती है। अगर जो कैफीन अच्छा है तो बुरा भी है। वो लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, चिंता करते हैं, उनकी अगर कॉफी पियेंगे तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी और शायद नींद और नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं वो वाली चीजें जिसमें कैफीन रहता है उसको 2 बजे के बाद, दिन में 2 PM के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका असर रहता है और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है और एनएक्सटी है, आपको चिंता होती है, फिर भी आप कॉफी पीना चाहते हैं, तो कोशिश करें 2 बजे के पहले पिए और 1 कप से ज्यादा नहीं पिए एक दिन में, तो शायद आपको इसके इफेक्ट से बच सकते हैं। कई स्टडी से ये भी पता लगा है कि स्लाइटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, तो वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की, वो कॉफी को शायद इग्नोर कर सकते हैं। अगर पीना चाहते हैं तो 1-2 बार पी के देख सकते हैं, उनको लगता है कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कॉफी को अवॉइड करें। ये थे गुड और बैड। तो ये था कॉफी इज गुड और बैड। कॉफी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन साथ में कैफीन भी है। कैफीन अच्छा काम भी करता है, बुरा भी करता है। ये आपको डिसाइड करना है कि कॉफी आप पीना चाहते हैं नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है क्या कॉफी हम पी सकते हैं? जी हाँ, आप कॉफी पी सकते हैं, लेकिन लिमिट में 1 से 2 कप डेली 2 बजे के पहले। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है 2 बजे से पहले। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कॉफी पीते और हेल्दी है, तो आप कॉफी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग 3 से 4 कप डेली पीते और हेल्दी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल एक इंसान के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया, नेचर अलग हो इंसान का, बॉडी कैपेबिलिटी अलग हो, तो कैफीन को टॉलरेट करने की क्षमता हर इंसान में अलग अलग रहती है। तो वो लोग जो इसको कॉफी पीते, हाँ एक और बात जो इसका जो बैड है कॉफी का, ये भी वो भी है कि अगर आप कॉफी रेगुलरली पी रहे हो वो एक तरह का एडिक्शन बन जाता है। जी हाँ, लत लग जाती है। अगर आप इसको छोड़ते हो तो इसके कारण जो साइड इफेक्ट है वो होते हैं थकावट, हेडेक, स्ट्रेस, क्योंकि कैफीन हमारा बॉडी मांगता है और हम दे नहीं पाते। इसलिए वो लोग जो कॉफी पीते हैं वो रेगुलर ही कॉफी पी जाते हैं और ज्यादा कप बढ़ा देते हैं। तो अगर आप पीना चाहते हैं तो प्लीज 1 से 2 कप पिए। ये बॉडी के लिए हेल्दी भी, अगर लिमिट करेंगे, दुनिया में हर चीज अच्छी अगर वो लिमिट में हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, गुड बैड जो भी फीडबैक है नीचे आप कमेंट करें, मेरा जो चैनल है केयर फॉर और इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।